नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी हलचल क्या है, किस तरह से माहौल गरमाया हुआ है, नेताओं के प्रचार को लेकर, उनके भाषण बयानों को लेकर, जो यहां की आम जनता है उसका क्या सोचना है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रही है। एक बयान जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर उसकी तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर आरोप लगाया है, हमला बोला है और साथ ही जनता से कहा है कि अगर वो कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाएंगे तो फिर कांग्रेस उनकी संपत्ति यानी कि जनता की संपत्ति को छीनकर सरकार के कब्जे में ले लेगी और साथ ही मंगलसूत्र छीनकर उनको दे देगी जिनके लिए वो कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इस बयान को लेकर लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं, हमला हो रहा है, सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन जो आम महिलाएं हैं वो क्या सोच रही है इस बारे में, उनसे बात कर लेते हैं। चुनाव की गहमा गहमी कैसी है उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका जैन। मोनिका जी, ये हाथों में बॉटल लेकर आप लोग कहाँ निकले हैं? आज हम लोग ये तपती गर्मियों में जो भी हमारे साथी है उन लोगों को पानी की बॉटलें देने, ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने के लिए निकले हैं। अच्छा, गर्मी मौसम की तो है ही, क्या चुनावी गर्मी महसूस हो रही है? यस, बिल्कुल, क्यों नहीं, डेफिनेटली हो रही है। क्या लग रहा है इस बार? ऑब्वियसली हमेशा बीजेपी। जी, बीजेपी। अच्छा, क्या सोचकर जब आप जाएंगी अपना वोट देने के लिए तो क्या चलेगा मन में, कौन से मुद्दे होंगे? यही होना चाहिए कि जो भी आए बहुत अच्छा आए, हमारी सरकार जो भी होगी सभी के लिए बहुत, सभी लोगों के लिए सुटेबल हो। अच्छा, एक बयान आया प्रधानमंत्री का, सुना होगा आपने कि मंगलसूत्र छीन के उनको दे देंगे, संपत्ति छीन लेंगे, सुना आपने वो बयान? जी जी हाँ, बिल्कुल सुना है। एक्चुअली हमारी संपत्ति है, हमने कड़ी मेहनत करके उसे कमाया है, तो हम क्यों किसी और को देंगे? ये हमारे राइट्स है, हमारे पर्सनल असेट्स है, तो ये हमारे पास ही होना चाहिए। अब की बार मोदी सरकार, बीजेपी। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि ऐसे अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो ऐसा हो जाएगा? एक्चुअली ये लगता नहीं है, ये अजम्पशन है, क्योंकि पहले भी जब कांग्रेस आई है तो उन्होंने कुछ न कुछ इस तरह से गतिविधियां की है कि लोगों को ऐसा कहना पड़ रहा है और मोदी जी को स्वयं ये बयान देना पड़ता है। सो प्लीज बी अवेयर, वोट फॉर मोदी। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, क्या आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण हुआ है? हाँ, महिला शक्ति बढ़ी तो है और आगे भी महिलाओं का काफी जगह योगदान अच्छा है और अच्छा रहेगा। और जितनी भी महिलाएं हैं सब हमारे सपोर्ट में ही हैं और उन्हें पता है कि चुनाव जो भी आने वाले हैं वो सही होंगे, तो आगे देखते हैं, जो भी है हम उनके सपोर्ट में ही रहेंगे। अरे, जो फ्री स्कीम चलाई जाती है उनको लेकर क्या सोचना है आपका? देखिए, फ्री स्कीम में कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि लोगों का जो एक हमारा मिडिल क्लास बोल सकते हैं या पुअर फैमिली है, उन लोगों को फायदा जरूर मिला है, तो वो कोई गलत भी नहीं है, वो उनका मैनेजमेंट है कि वो फ्री पॉलिसी कैसे चलाते हैं। बट काफी लोग जो काफी डाउन में थे वो कहीं ना कहीं अपर लेवल पर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत स्कीम है। इस तरह की स्कीमें गरीब वर्ग के और मध्यम लोगों को जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, जब पहले होते थे चुनाव तो काफी हम बैनर होर्डिंग्स देखते थे, बहुत लाउड स्पीकर देखते थे, इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सच? हर कोई अपनी अपनी जगह प्रचार में लगा हुआ है और प्रचार हर कोई अच्छे से कर ही रहा है, प्रचार तो बाकायदा हो रहा है। क्या क्या बदलाव हुए हैं पिछले कुछ सालों में महिलाओं को देखते हुए? महिला बदलाव तो क्या है कि हमको लग रहा है 10 साल पहले या 15 साल पहले जो सरकार थी उस समय ज्यादा खुशहाली थी। बदलाव ये हुआ कि अभी ईर्ष्या बढ़ गई, द्वेष बढ़ गया, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, जबकि पहले हम हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाना खाते थे, इतना हमारे में प्रेम भाव था, ईद हम साथ में मनाते थे, दीपावली हम साथ में मनाते थे, क्योंकि हमारा देश एक अच्छा देश है, अच्छे संस्कारों वाला देश है जिसमें बहुत सारे धर्म रह रहे हैं। तो ये जो अभी चल रहा है धर्म के विरुद्ध, सनातन धर्म की भी ये लोग बात कर रहे हैं, पर सनातन धर्म में लिखा हुआ है, कभी इन्होंने ध्यान से पढ़ा हुआ कि हर एक धर्म का आदर करना है, हर एक धर्म को सम्मानित करना है, तभी तो हमारा देश इतनी खूबियों वाला है कि यहाँ पे इतने सारे धर्म होते हुए भी हम प्रेम से रहते थे। पर अभी क्या हो रहा है ऊपर का तो मुझे नहीं मालूम, पर छोटे लोगों में आप से एक दूसरे के दुश्मन बनने बैठे हैं। आज ये धर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, कल फिर जाति के विरुद्ध हो जाएगी, फिर घर में लड़ाई लड़ेंगे, ये तो ये लड़ाई की भावना मतलब द्वेष बहुत बढ़ गया, वैमनस्य बहुत बढ़ गया, ये देश वैमनस्य नहीं हो। हम तो चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल हो, भारत देश तो सब पे शासन करे और ऐसा मतलब उनके सामने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करे विश्व के सामने कि देखो इतने सारे धर्म, इतने सारी जातियाँ, इतने सारे लोग कितने प्रेम भाव से लेते हैं, ये प्रेम ही खत्म हो गया है। तो जो राहुल जी जो बोल रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान,
प्रेम भाव के दा। आज मैं आपसे ईर्ष्या करूंगी तो मेरे अंदर दुश्मनी के भाव पैदा होंगे, पर मैं आपसे प्रेम करूंगी ना तो मुझे आप सबसे सुंदर महिला लगेंगी। अच्छा, एक और बात, वापस मंगलसूत्र वाले सवाल पर आती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने मंगलसूत्र पहना हुआ है, ये बताइए कब से पहन रही हैं आप ये? शादी के बाद से पहन रही हूँ। शादी को कितने साल हो गए आपकी? मेरी शादी को हो गए होंगे 30-31 साल हो गए। आप हमेशा पहनती रहे, ये हम भी दुआ करते हैं। जो ये बयान आया है प्रधानमंत्री का कि वो मंगलसूत्र छीनकर उनको दे देंगे? नहीं, मंगलसूत्र नहीं, मंगलसूत्र तो आपको मालूम है राजीव गांधी की मौत हुई थी तो सोनिया गांधी का मंगलसूत्र छीना गया। वो विदेशी महिला होकर भी आज आप में से हम में से देखो जितनी महिलाएं शादी होती है ना उसके बाद में पति मर जाता है तो वो छोड़कर मायके चली जाती है। एक वो महिला ऐसी है जो इटली में रहते हुए भी, इटली में उनका मायका है, वो अपने पति के हस्बैंड के बाद भी यहीं पड़ी हुई है। और ये राहुल और प्रियंका तो बहुत छोटे थे फिर भी देखो वो देश सेवा में लगे हुए हैं, तो मंगलसूत्र तो उनका गया है। प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र की कीमत मालूम नहीं है? ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। मंगलसूत्र तो महिलाओं का गहना है, बट जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है वो गलत है। उन्हें क्या पता मंगलसूत्र क्या होता है, क्योंकि उन्होंने शादी होते हुए भी उस कर्तव्य को कभी निभाया नहीं। जो पत्नी है उनकी, वो पत्नी को तो एक तरफ उन्होंने दरकिनार कर दिया, तो उन्हें क्या पता कब पहनाया उन्होंने मंगलसूत्र, और मंगलसूत्र की कीमत क्या होती है उन्हें पता नहीं है। इसलिए अच्छा, बदलाव क्या क्या हुए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आप जो उनसे पूछ रहे थे कि संपत्ति छीन लेंगे, है ना, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आती है तो संपत्ति छीन लेंगे। आज कोर्टों की हालत ऐसी है कि वहाँ किसान एक एक साल से पैसा देने के बाद नामांतरण नहीं हो रहा है, और मैं खुद एक सामान्य महिला हूँ लेकिन वहाँ अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें ऊपर से दबाव है, तो ऊपर कौन है? आज सीएम हर जगह बीजेपी है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है और लोगों की, किसानों की जमीनें हड़पी जा रही है, तो ऐसा वो लोग कर रहे हैं और कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं खुद उसकी शिकार हूँ। आज केस हमने लगा के हमारी प्रॉपर्टी रोकी हुई है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी आएगी लोगों की जमीन हड़पेगी? और कांग्रेस पार्टी ने कब किसी का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की? आज आपके तो क्षेत्र में पहलवानों के संग जो शोषण हुआ है, वो मणिपुर में जो महिलाओं के संग, आपने तो उनको केस ही नहीं करा। ना सीतारमण आई, ना स्मृति ईरानी आई, किसी के भी क्या बयान आते हैं महिलाओं के, उसमें आपने कैसे बोल दिया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे? इतना गिरा हुआ व्यक्ति कैसे कोई हो सकता है? कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया है और उनको सम्मान दिलाया है और किसानों के साथ में है। हम ये सोच के ही दंग रह गए कि इस तरह के इतना बुजुर्ग व्यक्ति और इतना सुलझा हुआ व्यक्ति, वो अपने आप को कहते सुलझा हुआ हूँ, और उसके बाद इतनी गलत बयानबाजी करता है। मैं खुद भुक्त भोगी हूँ, जबकि मेरे घर में सब मेरे मिस्टर बीजेपी भक्त हैं, उसके बाद भी हम शोषण का शिकार हो रहे और कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। सब कहते हमको ऊपर से बीजेपी का प्रेशर है, तो कौन बीजेपी वाला है? तो वो शोषण कर रहे हैं, हम शोषण करने वाले? अच्छा, पहले जब चुनाव आते थे मुद्दों पर बात होती थी, अलग अलग जनता से जुड़े हुए मुद्दे, इस बार आपको लग रहा है कि मुद्दों पर बात कोई कर भी रहा है? मैंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मैनिफेस्टो पढ़ा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 300 से 350 बार सिर्फ मोदी जी का फोटो और नाम है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी मैंने पढ़ा है, उसमें नारी सम्मान की बात की गई है, बेरोजगारों को रोजगार 30 लाख रोजगार देने की बात की गई है, और किसानों को भी जो उनकी एमएसपी पे जो समर्थन मूल्य मिले उस पर भी बात की गई है। तो पूरा जो जब राहुल गांधी जी जब यात्रा पे थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से जब चर्चा की थी, उस समय जो लोगों की समस्याएं थी उसको लेके एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। तो दोनों के मैनिफेस्टो में ये अंतर है कि वो सिर्फ एक मोदी वो है, और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो पूरी सब जनता की समस्याओं को लेकर बना गया। आज जो जैसे अभी एक आपने बोला कि एक भाषण मंगलसूत्र वाला, 55 साल कांग्रेस ने राज करा है तब तो किसी की संपत्ति नहीं छीनी गई, किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना गया। सोनिया गांधी जिनका मंगलसूत्र इस देश के लिए, उनके पति शहीद हो गए उसके लिए वो मंगलसूत्र उनका गया था। मैं किसी भी पार्टी के उसमें नहीं आना था, लेकिन जो तथ्य गलत है उसका हम विरोध जरूर करेंगे। एक महिला के लिए मंगलसूत्र की क्या अहमियत देती है मोदी जी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अपनी खुद की वाइफ की इज्जत नहीं कर पाए। अच्छा, मुद्दों पर बात हो रही है क्या महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर? जी बिल्कुल, एक तो ये है जो मुख्यमंत्री जी या कोई भी आने वाला जो भी बोलता है कि फ्री में महिलाओं को ये दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, वो वाली सतर्कता मुझे समझ नहीं आई कि ये प्रति
जो दिया जाता है लोबन दिया जाता है कि या करा जाता है, और ये जब करा जाता है जो चुनाव के टाइम बड़ी बड़ी चीजें बोली जाती है, चुनाव फ्री में फ्री में स्कीम्स मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मेहनत से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, हमारा खुद का बिजनेस है, तो आजकल कोई काम करना ही नहीं चाहता है क्योंकि फ्री में मिल रहा है सबको। अपन कहीं भी जाओ, बोले आयुष्मान कार्ड या जो भी हो, अच्छी चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है। बाकी आजकल जो चीजें दी जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रही कि उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन हर सरकार देती है, ये तो हर पार्टी दावा करती है। मैं क्या चाहती हूँ कि आप कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमें तो काम करने वाला वक्ता चाहिए, न कि इस तरीके से ये जो बता बता के चीजें कर करके ये अच्छा वो बुरा। तो हम देश के लिए क्या बताना चाह रहे हैं कि ये अच्छा और ये बुरा, एक दूसरे की बुराई करने से क्या होता है? पर जो भी पर महिलाओं के लिए जो भी हो रहा है ऑब्वियसली वो सही है। जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, ये सब चीजें होती है, उसके अकॉर्डिंग तो जो भी कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। तो सुना आपने, यहाँ महिलाओं की अलग अलग राय है, अलग अलग बयानों को लेकर, मंगलसूत्र पर दिए गए बयान को लेकर, जो विकास हो रहा है, जो महिलाओं को लेकर दावे किए जाते हैं उनको लेकर। और स्वस्थ लोकतंत्र वही होता है जहाँ पर हर तरह की आवाज को सुना जाता है और साथ ही समझा जाता है। लगातार आप तक जनता की हर आवाज को पहुंचाने की कोशिश हम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।